गाइस फिट रहना बहुत जरूरी है, तो दौड़िए, भागिए, पुशअप करिए, मगर जो भी करिए थोड़ा ध्यान से करिए। आस्था, चंदा। हाय गर्ल्स, हाउ आर यू? यू वांट टू जॉइन? हमें नहीं लगता कि इन कपड़ों में हम यू सी, इसीलिए ना लाइफ में प्रिपेयर्ड होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं रन करके आती हूँ, आप लोग क्लास एंजॉय करो। आई सी यू ऑल लेटर। या ओके बाय। सो मुंबई कैसा लग रहा है? अपनी स्ट्रिक्ट बुआ है कि चिल बुआ है? थोड़ी स्ट्रिक्ट है, पर अब मम्मी पापा ने हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी है तो आई नो। लेकिन उसका वो जो नो बॉयज रूल है वो तो तुम दोनों को इरिटेट करता होगा, राइट राइट राइट? नहीं नहीं, बुआ सा सही बोलती है शायद। अच्छा, आस्था यू टेल मी, मतलब मैं बात कर सकती हूँ तुम्हारी बुआ से? मेरी काफी बातें मान लेती हैं वो, इवन अबाउट द नो बॉयज रूल। थोड़ा अगर हाय हेलो बॉय से कर लिया तो क्या दिक्कत है? डार्लिंग, आई डोंट थिंक उसे हाय हेलो से प्रॉब्लम है। द वरी इज, यू नो जब बात हाय हेलो से आगे बढ़ जाती है, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? आप फिजिकल सेक्स? यस डार्लिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट सेक्स। एंड सेक्स से जुड़ी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है सेफ्टी की। तुम दोनों जो मर्जी करो, जस्ट बी सेंसिबल, बी सेफ। पर ये सेफ्टी का ज्ञान हम लड़कियों को ही क्यों दिया जाता है? क्या बोल रही है आस्था? जो भी होता है हम लड़कियों को ही होता है ना, लड़कों को कोई फर्क नहीं पड़ता। असली मर्द फर्क नहीं करता है। इन फैक्ट सेफ सेक्स इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ द पीपल इन्वॉल्व्ड। एक सवाल है, क्या सच में पपीता खाने से, मतलब प्रेगनेंसी से बच सकते हैं कि नहीं? डार्लिंग, तुम खुद ही सोचो, अगर ऐसा होता तो कॉन्डम्स और कॉन्ट्रासेप्शन क्यों इन्वेंट होते? क्यों? या? कई बार हम जिंदगी में कुछ रिश्तों को कुछ ज्यादा ही अहमियत दे बैठते हैं, और फिर उन्हीं रिश्तों को निभाते निभाते हमें कई लड़ाइयां अकेले लड़नी पड़ती है। जो वो कुत्ता नहीं आने वाला। होल्ड दिस, और अपनी रोंदी सी जो सूरत है उसको साफ कर, सूट नहीं करता तुझ पे। जो जो जस्ट लुक एट मी, यू नो द जो दैट आई नो, शी स्मार्ट, शी इज प्रैक्टिकल, एंड हाउ मच टाइम डू वांट टू वेस्ट इन दिस एनीवे? वर्क प्रेशर बहुत था, मैं भूल गई, और फिर मेरे बॉयफ्रेंड ने एक बहुत ही स्टूपिड सा अचार वाला एग्जांपल दिया कि एक्सपायरी डेट के बाद भी खा सकते हैं और पिल भी 72 आवर्स के बाद लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अब मैं इस सबके लिए रेडी नहीं हूँ। ये तुम्हारी चॉइस है। ये मेडिकल अबॉर्शन कॉम्बी किट यूज़ करने का स्केड्यूल जो मैंने अभी तुम्हें समझाया, इस रूल्स के साथ खिलवाड़ मत करना। Understand? Yeah. But वरी करने की तो कोई बात नहीं है ना? तुम्हें क्रैम्स आ सकते हैं, हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, और जो एक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट्स है तो मैंने तुम्हें बताया। बस इस बार ना थोड़ा पहले ही प्लान करो, कॉन्ट्रसेप्शंस के बारे में सोचो। आजकल इतने सारे ऑप्शंस आए हैं, लाइक यू हैव दी ओरल कॉन्ट्रसेप्टिव पिल्स, OCP कहते हैं उसे, इंजेक्टेबल्स, IUD एंड इंट्रायूट्राइन डिवाइस, कॉन्डम्स वगैरह। आपको लगता है मैंने कोशिश नहीं की होगी? मैंने कितनी बार राघव को बोला था कि लेट्स यूज सम प्रोटेक्शन, बट ही ऑलवेज यूज्ड टू से रियल मेन डोंट यूज कॉन्डम्स। प्रॉब्लम कब शुरू होती है ना, जब हम दूसरों को हमारे डिसीजंस लेने देते हैं। एग्जैक्टली, मैंने ना इसलिए पहले से ही डिसाइड कर लिया था, सेफ एंड प्राइवेट इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, और किसी का कोई इंटरफेरेंस ही नहीं होता। खुद को इतना जज मत करो, तुम्हारी जिंदगी अभी शुरू हुई है, इस बार एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकती हो। और हाँ, अचार को पराठों के लिए छोड़ दो। थैंक यू। यू आर वेलकम। आज हमारा सुपर हीरो लोहा छोड़ के योगा कर रहा है। क्या बताऊं यार, लाइफ ने वाट लगा दी है तो सुपर हीरो को योगी बनना पड़ा। मेरे भाई की वाट लगाए, ऐसा ना किसी में डेयरिंग नहीं है, समझा ना?
सही बात। चल एक काम करते हैं। हाँ आज वेट्स की जगह ना सूर्य नमस्कार कंपटीशन करते हैं क्या? यार मेरी बात सुन। हाँ यार देख तू दोस्त है, मैं तेरे से झूठ नहीं बोलेगा। मेरे को ना टीबी हुआ यार, देख अभी कंटेजियस नहीं है, मैं दवाइयाँ टाइम पे ले रहा हूँ और डॉक्टर ने तो ये भी बोला है कि मैं ठीक भी हो रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर तुझे मेरे साथ एक्सरसाइज नहीं करनी है तो मुझे बुरा नहीं लगेगा ब्रो, सब सही है। यार तो अब ऐसे ही पकाता रहेगा ना तो स्लीप आसन हो जाएगा मेरा, बता रहा हूँ। चला शुरू करते हैं। रुका कपाल भारती। भारती नहीं रे भाती, सेम थिंग ना ब्रो। चलो कपाल भाती से शुरू करते हैं। हाय आई वाज जस्ट थिंकिंग मेरे रिपीट कस्टमर्स के लिए मुझे कोई नई स्कीम रखनी चाहिए। कम वेलकम बैक मनीष। आई ओपन माय आईज। वाओ ये तुम्हें कैसे पता चला कि ये मुझे चाहिए था? किसी ने बड़े गुस्से में आकर एक दिन मुझसे कहा था जो पति अपनी बीवी की सारी ख्वाहिशें समझ जाए वही सबसे अच्छा पति होता है। इसके लिए तो तुम्हें 22 ताज मिलेंगे। मैंने बहुत सोचा, तुम सही थी, दूसरा बच्चा शायद इतनी जल्दी ना करना ही ठीक है। मुझे लगता है कि कॉन्ट्रासेप्शन एडवाइस को लेकर हमें डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना चाहिए। तुम्हें पता है इस बात पे ना एक और स्टार बनता है तुम, एक्स्ट्रा स्टार। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट मैंने ले ली है और उससे हमारे बीच में कभी कुछ नहीं बदलेगा। 60 साल के बुड्ढे हो जाने के बाद भी। स्टार्टअप तो शुरू हो गया यार, आइडिया तो मेरा है, सबसे ज्यादा मेहनत भी मैं ही कर रहा हूँ। वो आस्था वहां फालतू में पार्टनर बैठी हुई है, कुछ करती है नहीं। 4 और बुकिंग। अब तो मैं सीईओ बनकर ही रहूंगा, मॉम डैड को दिखा दूंगा मैं क्या कर सकता हूँ। Hey. Hey. थैंक यू माना। यू वेलकम। वो तुम रिपीट कस्टमर्स वाली स्कीम की बात कर रहे थे ना? जी। तुम मेल जरूर भेज देना। ओके। हम आते रहेंगे। वर्क्स। आई विल मेक द पेमेंट। यस। यस जस्ट अ सेकंड। निगा यार क्या कर दिया तूने? क्या हुआ? तेरा शो नंबर 4 से नंबर 2 पे आ गया है। आर यू सीरियस? पार्टी चाहिए। ऑफ कोर्स। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। गॉड आई कांट बिलीव इट। एक सेकंड। ओह माय गॉड। हेलो विकी, आई नीड टू मीट यू, इट्स अर्जेंट। ठीक है, बाय।